guys, welcome back to my channel Glossips. I know I'm back after a very long time. I know that for a fact. मैं खुद अभी ये वीडियो शूट कर रही थी and I was just like, okay, I don't know how to really do this, लेकिन yeah, I'm here now. अच्छा तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्प्रिंग इज हियर नाउ, हम सब अब स्प्रिंग में आ चुके हैं. एटलीस्ट कराची वाले तो आ चुके हैं भाई स्प्रिंग में फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. अब एक वो अनकंफर्टेबल सा टाइम चल रहा है जिसमें एक होता है ना कि जहाँ पे पंखा भी ऑन चाहिए लेकिन फिर कम्फर्टर भी पहनना है भाई, फिर कम्फर्टर में रह के भी गर्मी लगने लग जाती है तो एक टांग बाहर भी निकालनी है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो वी आर इन द मिडल ऑफ दैट मौसम राइट नाउ. तो अब जब स्प्रिंग दिमाग में आता है तो आते हैं सारे खिले हुए कलर्स, लिटरली लाइक बेबी पिंक, ब्राइट पिंक्स, पीचेस, येलोज, ये सारे कलर्स जो बड़े बड़े मज़े के कलर्स होते हैं. तो मैंने सोचा कि आज अपने कलेक्शन में से बहुत सारी चीज़ें निकालती हूँ जो कि मैंने बहुत अरसे से नहीं यूज़ की हुई. अ डिफरेंट फाउंडेशन, अ डिफरेंट कंसीलर, अ डिफरेंट आई शेडो पैलेट, सब कुछ फ़र्क. और मैं आती हूँ और एक बहुत मज़े का स्प्रिंगी सा लुक क्रिएट करती हूँ. और तो मुझे पता है कि मैंने इतने टाइम से ये नहीं किया, दैट इट्स वियर्ड हाउ लॉन्ग आई हैव नॉट डन दिस फॉर. ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से आके बातें नहीं की हैं. सो मैं अपने सारे बातों का भूत इसी वीडियो में निकालूंगी. ओके, फॉर द फाउंडेशन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द सिल्क फाउंडेशन बाय मसरत मिसबा एंड आई एम इन द शेड बेज. मैंने ये फाउंडेशन लिटरली शादी डायरीज के टाइम पे लिया था व्हेन आई वाज शूटिंग ऑल ऑफ दोज व्लॉग्स और अभी तक आई हैव नॉट यूज्ड इट. ऑल्दो कैन यू लुक एट दैट कवरेज, आई मीन ये फाउंडेशन लिटरली मेरा दिल ले गया था एंड आई वाज लाइक मैंने इसको अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया है. वेल दैट्स एक्चुअली बिकॉज मैंने फाउंडेशन यूज करना बहुत कम कर दिया. बट ओ माई गॉड, आई थिंक दिस इज लाइक अ परफेक्ट फाउंडेशन for people who want like a flawless coverage. Oh my god, acha, so can you actually see that there's a very clear difference in the way my skin looks right now? ये वाली साइड इतनी कोई नेक्स्ट लेवल फ्लॉलेस है एकदम से, लाइक एक झटके के अंदर. इसमें यू कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल, बट ओ माय गॉड आई लव दिस फाउंडेशन. अभी ये वाला दाना दिख रहा है, देखना है कैसे गायब होगा. दाना, व्हाट दाना, देयर इज नो दाना. मैं लिटरली फाउंडेशन इतने टाइम बाद लगा रही हूँ ना अपने चेहरे के ऊपर कि इट्स वियर्ड, क्योंकि जब से मैंने अपने स्किन केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल करना शुरू कर दिया, आई लिटरली वॉन्टेड टू लिव ऑन कंसीलर और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं फाउंडेशन पे अपने आप को डिपेंडेंट करूँ. इसकी वजह से आई नेवर इवन यूज्ड इट. अभी मैं बहुत येलो लग रही हूँ, आई नो दैट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो आजकल वैसे तो बहुत सारे आईब्राउ प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट के अंदर, बट देन I have not been able to get over this one right here. This is the Zay Beauty Broa and oh my god, am I in love with it or what? I just, it did not dry out. Itna arsa ho gaya and it's not dried out. Can you see how much I've used it? इस फाउंडेशन ने लिटरली मेरे सारे फीचर्स मिटा दिए, विच इज़ वाई आई लुक लाइक अ पीले रंग का कैनवस. लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको सब बिल्डअप कर देंगे. फॉर द आई शेडोज आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द कलर पॉप बेबी गॉट पीच आई शेडो पैलेट. जब मैं फाउंडेशन लगा रही थी तो मैंने अपने आईलेट के ऊपर भी फाउंडेशन लगा लिया था और वो इससे लगाया था ताकि जब मैं आई शेडोज की तरफ आऊँ तो मेरा आई शेडो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए. के कलर्स इतने मज़े के हैं, देयर लाइक दीज कलर्स बेसिकली डिस्क्राइब स्प्रिंग फॉर मी. इतने मज़े के कलर्स हैं, ओ माय गॉड. इस लुक को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं करेंगे. तो आई एम गोइंग टू टेक दिस पीच राइट हियर, ठीक है, ये एक लाइट सा पीच है, इट्स अ वेरी वेरी पिंकिश पीच. और उसके बाद मैं लूँगी ये वाला पीच. ओके, सो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग दीज टू पीचेस, कीप दैट इन माइंड. तो अभी हम इस आई लुक को रेप्लिकेट करेंगे इस वाली आई के ऊपर एंड आई विल टीच यू हाउ. मैं ये दोनों पीच कलर्स लेके अपनी आंखों के दोनों कॉर्नर्स पे लगाऊंगी,
मिडिल पार्ट को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाऊंगी ताकि उधर हम लोगों ने थोड़ा सा शिमरी एक्शन करना है, तो वी आर गोइंग टू लेट दैट बी. ओके, आईलिड के मिड वाले पार्ट पे हम ये वाला आई शैडो यूज करेंगे. कैन यू लुक एट इट? For the mascara, I am using my Essence Lash Princess mascara. अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं लगाऊंगी ग्लॉसिप्स लैशेस इन द स्टाइल तहानी. मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियों को लैशेस लगाना बहुत मुश्किल लगता है, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल. असल में इतना मुश्किल नहीं होता. लेट मी जस्ट गाइड यू अ लिटिल अबाउट इट. हाँ, तो द मेन थिंग इज कि आपकी लैश ग्लू एक बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करती है इसके अंदर, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी लैश ग्लू होगी उतना आसान आपके लिए आई लैशेज लगाना होगा. तो ये वाली जो है ये तो डुओ की आई लैश ग्लू है, ट्रांसपेरेंट. अब मैंने इस पर क्या किया कि मैंने लिटरली ग्लू लगाई है इसके ऊपर और अब मैं इसको इस तरह से साइड पर रख दूंगी. ये फाउंडेशन इतने मज़े की है कि आई एम जस्ट लाइक व्हाट, क्योंकि एक तो वो फाउंडेशन होती हैं जो कि फुल कवरेज होती तो सही है, बट लाइक दे आर वेरी केकी. मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने लाइक 4-5 किलो फाउंडेशन लगाया हुआ है. इसमें वो सीन नहीं है, दिस इज लाइक वेरी वेरी लाइट वेट एंड दैट आई एम रियली एंजॉयिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब जितनी देर हम बातें करते रहे, आई लैशेज जो थी वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गई. नाउ दैट इज द ट्रिक, यू हैव टू लेट योर आई लैशेज ड्राई अप अ लिटिल बिट. Then you take a mirror और फिर जाके आप इसको apply करते हैं. Let's come closer for that. जो eyelashes होती हैं वो किसी भी eye shape के मुताबिक नहीं होती, they're actually according to your looks. तो अगर अब आपने एक बहुत ही next level glam look create किया तो आप एक बहुत next level glam eyelash use करेंगे. आई शेप के मुताबिक आई लैशेज सिर्फ कटती हैं. मैं ट्राई करूंगी कि ये सही से लग जाए पहली दफ़ा में, बिकॉज आई एम लाइक ऑल ऑफ यू आउट देयर, आसान नहीं होता आई लैशेज लगाना. तो सबसे पहले मैं मिडिल पार्ट रखूंगी अपनी आई लैशेज के बिल्कुल बीच में. लैशेज लगाना लिजिट 10 मिनट का काम है, वो 10 मिनट जो जिंदगी कभी वापस नहीं आते. इट्स सच अ टफ टास्क, ओह माय गॉड, एंड इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स एवरीवन, इट्स इवन मी. आई हैव कम आउट विद एन आईलैश लाइन एंड आई एम स्टिल सेइंग दैट. सो अब आजकल तो आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद द शिमरी ड्यूई स्किन, बिकॉज एक तो मैं अपनी स्किन का बहुत ख्याल भी रख रही हूँ और ऊपर से मुझे वो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं दैट आर गिविंग दैट वेरी वेरी ग्लोई फिनिश. तो मैंने एक न्यू चीज़ ट्राई आउट की आजकल दैट आई एम जस्ट शो यू गाइज. आई ट्राइड आउट दिस न्यू रियली कूल थिंग, दिस इज द टू फेस्ड ड्यू यू. तो वैसे तो ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर है, बट लेट मी शो यू. ट्रांसलूसेंट पाउडर तो है बट शिमरी है. लेट मी शो यू, वेट.
Can you see that? It's shimmery. And now I'm literally going to apply this all over my face because I love this stuff. Wait. I could literally bathe my entire face in this. It's so nice. This stuff is so shimmery, it makes me fall in love with my skin. Because look at it. You know, ye wo jo glowy skin wala pura scene, that filter glowy skin. This is that in real life, and oh my god, ye itna mazey ka lagta hai. Uff. जैसे कि आपको पता है कि मेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं हैं और सिर्फ थोड़े बहुत हाइपर पिगमेंटेशन है, थोड़ी बहुत ही खैर काफ़ी हाइपर पिगमेंटेशन है और एक्नी स्कार्स थे थैंक्स टू वीट, बट हाँ थोड़े बहुत एक्नी स्कार्स भी रह गए. दिस नीड्स टू गेट डन, बस वी नीड टू गेट डन विद दिस, मूव ऑन फातिमा. ओके, तो थोड़े बहुत एक्नी स्कार्स थे और वो इस फाउंडेशन ने पूरे छुपा दिए, तो आई डोंट थिंक कि मुझे कंसीलर के साथ अपनी स्किन को और लेयर करना चाहिए प्रोडक्ट्स के साथ, स्पेशली व्हेन आई हैव गॉटन द फिनिश दैट आई रियली वांट. Now we're going to go in with a little bit of bronzer. अब अगर आपका गोल मुंह है मेरी तरह, you know this is your best friend. मतलब आप इसके बगैर जी नहीं सकते हैं. Literally ये आपका सब कुछ है. This is like your mobile phone. The way you can't live with your mobile phone, you can't live without this. No, not really. I can live without it. I don't hate my goal face, but you get what I'm saying, right? This is our best friend. मुझे इतनी कोई नेक्स्ट लेवल गोल्डन आवर फील्स आ रही है ना अभी से मेरे इस लुक से, बिकॉज आई हैव एवरी आइडिया कि मैं इतनी ब्रॉन्ज्ड एंड ग्लोई एंड हाइलाइटेड लगूंगी कि लाइक इज इज गोइंग टू मेक माई लाइफ सो मच बेटर. इट रियली इज ब्रॉन्जर. आई फील लाइक इट्स सो गुड फॉर आर देसी स्किन टोन्स, क्योंकि जो इसके अंडर टोन्स हैं दे प्रॉपरली मैच आर स्किन, तो ऐसे मडी या डस्टी नहीं लग रहा होता. सो इट्स जस्ट the best one that I've used, and the fact ki Maybelline ka, so it's a drugstore brand and it's also only for 1,000 rupees. At least jab maine liya tha ek saal pehle, so it was for 1,000 rupees. I don't know ab kitne ka honge. Ab kyunki hum har cheez itni peachy kar rahe hain, so obviously I'm not going to forget my favorite peachy stuff, which is this one. Aisa koi ek din nahi guzarta when I don't use this. I love this peachy glow. ये क्या मसला है मेरे साथ, मैं मेकअप करना शुरू करती हूँ तो मैं मेकअप करती ही चली जाती हूँ. आई कांट स्टॉप देन. मैंने सोचा था हमें बहुत नेचुरल सा बस डूई ग्लोई लेस मिनिमल मेकअप टाइप का कोई सीन कर लेंगे, बट देन लुक एट व्हाट वी आर डूइंग. आई हैव ऑलरेडी यूज्ड ओवर 10 प्रोडक्ट्स अप टू नाउ. Although हम अभी ऑलरेडी बहुत चमक दमक मार रहे हैं, वी डू नॉट नीड अ हाईलाइटर ऑन टॉप, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है टू जस्ट हाईलाइट अ लिटिल बिट, मे बी अ लिटिल बिट, आई डोंट नो, बट मे बी अ लिटिल बिट. नॉट यूज दिस बिफोर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक गिव इट अ शॉट, बिकॉज इट्स नाइस एंड गोल्डन गाइज. यार आज तो मतलब पूरी ग्रीक गॉडेस बनने का ख्वाब मेरा पूरा हो चुका है, ऑल्दो दैट इज ओनली ऋतिक रोशन. डू यू नो मैं कितनी खुश होती हूँ व्हेन माय ग्लो मैचेस माय मूड, दैट्स द बेस्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये वीडियो इतने कन्फ्यूजन और इतने सैड मूड के साथ शुरू की थी, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एन्जाइटी, और मुझे आकर बैठने में और कॉन्टेंट के बारे में सोचने में या क्रिएट करने में लिटरली बहुत टाइम लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन नाउ दैट आई एम डूइंग दिस आई जस्ट फील सो हैप्पी, इट्स वियर्ड. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स दीज डेज, विच इज दिस. I am trying to go and find a local alternative is color ka, because this is the best color for our desi skin tones, best.
अभी मैं एक ऐसी चीज करने जा रही हूँ जो मैं यूजुअली कभी ना करूँ, दैट इज लिप ग्लॉस. यस, मैं कभी लिप ग्लॉसेस नहीं लगाती बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक इट. मतलब इट मेक्स योर लिप्स लुक इवन बिगर, तो मुझे थोड़ा सा होने लग जाता है लाइक ओ माय गॉड मेरी शक्ल पे सिर्फ लिप्स हैं, दैट्स सो वियर्ड. लेकिन अगर आप लोग के लिप्स छोटे हैं तो लाइक अप्लाई लिप ग्लॉसेस, इट मेक्स योर लिप्स लुक बिगर, सो डू दैट. कल मैं अपने लिपस्टिक कलेक्शन में ढूंढ रही थी कि कोई लिप ग्लॉस मिल जाए जो कि इस पीची लुक के साथ चला जाए, एंड आई फाउंड दिस वन. ये कलर पॉप की है और इसका शेड है बेस्टी. ये बहुत ही पीची है और ये बहुत ही ग्लॉसी है, एंड ग्लॉसेस एक्चुअली मेक मी क्रिंज, बट आई एम गोइंग टू डू इट जस्ट फॉर दिस लुक, क्योंकि जब हर चीज़ इतना ग्लोई ड्यूई ग्लॉसी ब्ला हो तो फिर यू नीड टू मेक इट अप, यू नो. You see what I mean? बहुत ही कोई next level बड़े होंठ लगते हैं इसके बाद. I feel like I'm eating, and I also feel like I'm eating gloss, which I hate. Yuck! Please, कोई tissue मिल जाओ. Hello! Pankha on is shit. Gonna do this again. Hi there guys! Welcome back to my channel Glossips. That felt good. For the eyeshadows, I'm going to be using the ColourPop Chukkar phone. अंदर क्यों लगती है? Oh, I hate glosses. Sounded like I hate glosses. I don't hate glosses. It is I. I love myself. I love I. Okay.